ओम शांति। आज 21 सितंबर 2021 के साकार महावाक्य हैं। आज शिव भोलानाथ बाबा बोले, अहिल्याय कुब्जाय गणिकाय आदि सबका उद्धार करता हूँ, इसलिए शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं। बाबा कहे, मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ नहीं होती। आत्मा व परमात्मा को नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे, उसमें भी अविनाशी पाठ नुंधा हुआ है। आज मुरली में प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा है? तो बाबा ने कहा, क्योंकि बाप ही अहिल्याओं गणिकाओं कुब्जाओं का उद्धार करते हैं, उन्हें ही विश्व की राजाई का वर्षा देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते हैं, दुख भी वह देता सुख भी वह देता, परंतु बाबा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूँ, मुझे दुख हरता सुख करता कहा जाता है। विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। आज मुरली में गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान रूपी कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश से मुसाफिर आया है, तुम सब मुसाफिर हो ना। जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं, वह सभी मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है, आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इसको अर्थात इस सृष्टि को जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। वह है आत्माओं का देश। फिर जब आत्माएं यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करती हैं, तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी है जरूर, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है तो फिर कितनी भी बार रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, उसमें 84 जन्मों का सारा पार्ट भरा हुआ है। जैसे आत्मा निराकार है, वैसे बाप भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है कि वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम रूप तो है ना। बिगर नाम के कोई भी चीज होती नहीं। मनुष्य समझते हैं परमपिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अगर नाम नहीं तो रूप भी नहीं, देश भी नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बुलाते भी हैं दूर देश का रहने वाला परम पिता परम आत्मा। अब दूर देश में आत्माएं रहती हैं, यह साकार देश है। इसमें दो का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। यह बच्चों को समझाया गया है कि सतयुग में ईश्वरीय राज्य शुरू होता है। राम राज्य स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा है। वह कभी रावण राज्य स्थापन कर न सके। बाप बच्चों के लिए कभी दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप कहते हैं, मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ, मेरा तो नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह तो मनुष्यों की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुख धाम में कभी दुख होता नहीं। बाप स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम हो संगम पर, इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग। वह फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई चीज जब पुरानी खराब दिखाई पड़ती है, तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विष अर्थात विकारों को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए।
ग्रंथ में गुरु नानक के भी अक्षर हैं, अशंख चोर। अशंख चोर अर्थात बुराई और विकारों को हरने वाला। बाप की महिमा गाते हैं, आप जो आकर करेंगे उसमें भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। बाप ही आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। ग्रंथ में बहुत लिखा हुआ है, सिंधी लोग ग्रंथ रखते हैं। अब यह तो कोई सिख धर्म वाले नहीं है, यह तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। सिखों का है गुरु नानक, उनको दाढ़ी बाल हैं, तो सब सिखों को दाढ़ी बाल होने चाहिए। आजकल तो दाढ़ी रखते नहीं, बहुत फैशनेबल बन गए हैं, नहीं तो फॉलो करना चाहिए ना। हम गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं, तो गुरु नानक को फॉलो करना चाहिए ना। यह तो बच्चों को अभी पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे तुम जट बताएंगे। कोई से भी पूछो, यह तो बताओ कि गुरु नानक कब आएंगे, तो कहेंगे उनकी आत्मा ज्योति ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे, तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद गुरु नानक फिर आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती हैं। बुद्ध क्राइस्ट आदि सब के लिए कहेंगे इस समय तमो प्रधान है, कब्र दाखिल है, इनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति जैसे बुझी हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाकर साथ ले जाएंगे। माया ने काम चिता पर बिठाई कब्र दाखिल कर दिया है, सो गए हैं। अब बाप अमृत छकाते अर्थात अमृत पिलाते हैं। अमृतसर नाम इसलिए रखा है, बाप आकर अमृत छकाते हैं। अब कहाँ ज्ञान अमृत, कहाँ पानी की बात। सिख लोग गुरु का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। अब गुरु नानक साहेब तो कोई ज्ञान सागर है नहीं, उसने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वह सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना, सिंधुवर्ती लोग बाहर में जाते हैं तो सत्यनारायण की कथा कराते हैं, समझते हैं सत्यनारायण की कथा करने से सेफ्टी से पार हो जाएंगे। अमर कथा तिजरी की कथा, कितनी भक्ति मार्ग में कथाएं सुनते आए हैं। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला, वहाँ फिर कथा कौन सी सुनाई। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक में ले जाने आया हूँ, मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो आकर उनको कथा सुनाएंगे। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्य नारायण की कथा, तिजरी की कथा। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्म के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। अब भगत पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है ना, हे पतित पावन। अभी तुम समझते हो कि गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है, पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, एक ही राम। तो बाप समझाते हैं कि ओपिनियन लेते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान शिव है न कि कृष्ण। पहले तो पूछो भगवान किसको कहा जाता है, निराकार को वा साकार को। कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार, वह सिर्फ इस तन का लोन लेता है, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। पहले नंबर गर्भ में आने वाली है कृष्ण की आत्मा,
ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म शरीरधारी हैं, शिव को शरीर नहीं है। यहाँ इस लोक में स्थूल शरीर है, बाप की महिमा है, पतित पावन सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा सुख कहाँ से हो सकता है? सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब रावण की दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएंगी। अच्छा लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से, यह तो दुख धाम है ना। अच्छा फिर गाइड भी बनते हैं, यह शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं, सबको दुख से छुड़ाई पवित्र बनाई घर ले जाते हैं। मनुष्य जब शादी कर आते हैं तो पहले होता है पति, पीछे होती है ब्राइड, फिर बारात होती है। यह तुम्हारी माला भी ऐसे ही है, ऊपर में है शिव बाबा फूल, उसमें फूल को नमस्कार करेंगे, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर तुम जो बाबा के मददगार बच्चे हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य फिर शूद्र से ब्राह्मण बन, यह नॉलेज लेकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह माला उन्हों की बनी हुई है, यह ब्रह्मा सरस्वती ही राजा रानी बनेंगे, उन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं है कि माला क्या चीज है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16108 की माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है, फिर कोई कहाँ से खींचेगा, कोई कहाँ से। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे। फूल शिव बाबा है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं, फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान तो कुछ भी है नहीं, पादरी लोग भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते रहते हो, कोई कहेंगे क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं, उन्हों के बड़े पोप पादरी होते हैं, तो वह फिर पोपों की माला होंगी। उन सब के चित्र हैं, पोपों का कितना मान है, उनको खुद पता नहीं है कि क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो कि क्राइस्ट की आत्मा भी अभी बेगर रूप में है, तुम अभी बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। भारत ही प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है एक रूहानी बाप, बेगर से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस प्रिंसेज कॉलेज भी है जहां जाकर वह पढ़ते हैं। तुम यहां पढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेज स्वर्ग में बनते हो। नॉलेज से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अभी तुम जानते हो जो श्री कृष्ण सतयुग में प्रिंस था, 184 जन्मों के बाद बेगर बना है। 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं कितने साहूकार थे, अभी वही कंगाल बेगर बने हैं। यह बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। भगवान वाच वह सबका फादर है, तुम गॉड फादर से सुनते हो। गीता में सिर्फ भूल यह करती है कि जो शिव भगवान वाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसलिए गाया जाता है झूठी दुनिया। इस समय सारी दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है, वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। सतयुग में कभी रावण को नहीं जलाते, रावण पुराना दुश्मन है भारत का। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, जिसने आधा कल्प दुख दिया है, आखिरी बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशहरा होना है, रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, तुमको फिर सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत पहन स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए उनको शिव भोलानाथ भंडारी कहते हैं। गणिकाए अहिल्याए कुब्जाए सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं।
कितना भोला है, आते भी पतित दुनिया में पतित शरीर में है। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विकारों को छोड़ नहीं सकते। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी यह अंतिम जन्म तुम पावन बनो। यह विकार पॉइजन है जो तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम यह एक अंतिम जन्म इन्हें छोड़ नहीं सकते? मैं तुमको अमृत पिलाई अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विकार बिगर, सिगरेट बिगर, शराब बिगर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप कहता हूँ, तुम एक जन्म पवित्र बनो तो मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम जानते हो बाबा आया ही है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले चलने। अभी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परम पिता परमात्मा को अकाल मूरत कहते हैं। बाप है महाकाल, वह काल तो एक दो को ले जाएगा, मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार हैं, पहला, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है, स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है, बुरी आदतों को छोड़ देना है। दूसरा, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुन नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, एक सेकंड में दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। स्पष्टीकरण है, जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो, कंगाल को डबल सिरताज बनाने वाले हो। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ एक सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूँ, और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व के आधार मूरत उद्धार मूरत समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो, इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप हो। आज का स्लोगन है, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पर अधीन नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति।